छिंदवाड़ा में विकास यात्रा के दौरान ग्राम शिवपुरी में पुनः ग्रामवासियों को कांग्रेस के विरोध का सामना करना पड़ा। विकास यात्रा के दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुनहार ने क्षेत्र की समस्याओं को प्रशासन और भाजपा नेताओं के सामने रखते हुए कहा कि क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है। अगर यहां विकास होता तो यहां के निवासियों को काम करने के लिए छिंदवाड़ा नहीं जाना पड़ता। हमें भी विकास की आवश्यकता है, लेकिन सिर्फ योजनाएं बनती हैं और विकास नहीं होता है, जिस कारण है कि हमें आज यहां आकर अपनी बात रखनी पड़ रही है। जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा विरोध जताए जाने के बाद सभा में हंगामे की स्थिति बन गई और भाजपा कार्यकर्ता वाद विवाद करने के लिए सामने आ गए। विकास से अछूते हैं, हमें विकास की आवश्यकता है। क्यों? उसका कारण ये है कि योजनाएं हैं, लेकिन योजनाओं का लाभ हमें नहीं मिलता है। अगर योजनाओं का लाभ मिलता तो आज की परिस्थिति में हमारे क्षेत्र में बेरोजगार नहीं होते। हमारे क्षेत्र शिवपुरी चरगोरा से लोग मजदूरी करने छिंदवाड़ा नहीं जाते। बता रहा हूँ, अब ये परिस्थितियां निर्मित हुई। अगर ऐसा ही रहा तो हमारा क्षेत्र शिवपुरी पिछड़ता जाएगा। और ये परिस्थितियां मैं प्रशासन को बताना चाहूंगा कि इस ओर पे ध्यान दे कि हमारे क्षेत्र में जो बेरोजगार लोग हैं उनके रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएं। नोट करिए उसको।